नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शांभवी झा और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल संस्कृत दीदी में। मैं इस चैनल में आपको संस्कृत के बारे में बताऊंगी और आपको एग्जाम्स के बारे में भी बताऊंगी। आप सब मेरे साथ जुड़े रहिए और प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। चलिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत वर्णमाला। संस्कृत वर्णमाला में हम स्वर का ज्ञान लेंगे, व्यंजन का ज्ञान लेंगे, हम कहाँ कहाँ से उच्चारण लेते हैं, हम उच्चारण स्थान का भी ज्ञान लेंगे कि हम कौन सा वर्ण कहाँ से उच्चारण करते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानिए वर्णमाला क्या होता है। वर्णमाला यानी कि वर्णों का माला। वर्णमाला वर्णों का माला। जैसे कि अब ये देखिए, अब हमारे पास फूल है, अब हमारे पास चार फूल है, गेंदा गुलाब। अलग अलग फूल हैं, अलग अलग फूल को हमने एक धागे में पिरोया है तो ये माला बन गई। वैसे ही हम अलग अलग वर्ण को एक धागे में पिरोते हैं, इसलिए ये वर्ण माला कहलाती है। अब बात आती है वर्ण और अक्षर। वर्ण और अक्षर लोगों को लगता है कि दोनों अलग अलग चीज है, लेकिन ऐसा नहीं है। वर्ण और अक्षर एक ही चीज है, इसके बस दो नाम है। जैसे एक शब्द के दो जग नाम होते हैं, वैसे ही अभी देखिए अक्षर अ आ क छ ट त इत्यादि। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि, या इकाई अक्षर या वर्ण कहलाती है। जैसे अ आ ई ई उ ऊ ऋ ॠ ए ए औ औ अं। अब जैसे कि ये देखिए, मैं कहने कह दिया सीता, ये एक शब्द बन गई। अब इसमें वर्ण कितने हैं? एक, दो, तीन, चार, इसमें हैं चार वर्ण। तो वैसे ही एक एक अलग अलग वर्णों से ही वर्णमाला बन गई। अलग अलग वर्ण, सबसे छोटी ध्वनि है से स ई त आ, सबसे छोटी ध्वनि हुई ना ये, तो इसी को हम कहते हैं वर्ण। अब चलिए देखिए वर्णमाला कितने होते हैं। वर्णमाला तीन होते हैं, स्वर, व्यंजन, अयोगवाह। स्वर में कितने वर्ण होते हैं? 13 वर्ण, और स्वर को हम अच भी कहते हैं। व्यंजन में 33 होते हैं, इसको हम हल कहते हैं। अयोगवाह में 2 होते हैं। अब जानते हैं स्वर क्या होता है। स्वर एक ऐसी ध्वनि है जिसको हम बिना किसी के सहारे से ले सकते हैं। स्वर एक इंडिपेंडेंट ध्वनि है। जैसे जिन वर्णों या अक्षरों का उच्चारण करते समय किसी और वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें स्वर या फिर अच वर्ण कहते हैं। संस्कृत में ज्यादातर अच वर्ण का ही उपयोग होता है। जैसे आप आगे और पढ़ेंगे तो आपको स्वर से ज्यादा अच वर्ण दिखाई देगा। जैसे कि अ आ इ ई उ ऊ ऋ ॠ ए ए ओ औ ॠ। स्वर एक मात्रा होती है, एक मात्रा, इसका आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। अब देखते हैं स्वर के बारे में। स्वर तीन तरीके के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ह्रस्व स्वर 5 होते हैं, दीर्घ स्वर 8 होते हैं, प्लुत स्वर 1 होता है। ह्रस्व स्वर वो होता है जिसमें हम बहुत कम समय ले किसी ध्वनि को उच्चारण करने के लिए, आधा सेकेंड बस, जैसे अ ई उ री री और उ। दीर्घ जो हम हर से थोड़ा ज्यादा समय लें, जैसे आ ई ये उ री ए ऐ ओ ओ, इसमें हम थोड़ा ज्यादा, हमने दीर्घ स्वर से थोड़ा ज्यादा टाइम, हर स्वर से थोड़ा ज्यादा टाइम लिए दीर्घ स्वर में। प्लुत स्वर क्या होता है? प्लुत स्वर जिसमें हम ये करें, हम ये निशान आए, या फिर ये भी आता है, दो तरीके के निशान आते हैं, एक ये
और एक ये। जैसे कि अब हम बोलते हैं ओम, हर्ष और दीर्घ से ज्यादा समय ले गया, क्या बोले हमने? ओम। जैसे बोलते हैं राम राम, वैसे अब देखिए हर्ष स्वर, हर्ष स्वर जैसे मैं हम आधा सेकंड का टाइम ले, अब इसको लिखेंगे कैसे? जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है वह स्वर हर्ष स्वर कहे जाते हैं। जैसे अ ई उ ऋ ऋ। दीर्घ, दीर्घ होता है हर्ष से बड़ा, दीर्घ होता है हर्ष से बड़ा। जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक समय लगता है दीर्घ स्वर कहलाते हैं, जैसे आ ई उ ऋ ए ऐ ओ औ। पुलुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष से तीन गुना अधिक समय लगता है पुलुत स्वर कहलाते हैं। हर्ष से तीन गुना ज्यादा समय, जैसे राम ओम, और दीर्घ और हर्ष स्वर पुलुत स्वर को दो निशान होते हैं, एक ये और एक ये। इसको हम फाइव तरीके से लिख सकते हैं। अब व्यंजन देखिए, व्यंजन जिसको हम बिना स्वर, जिसको हम स्वर की सहायता से ले सकते हैं, व्यंजन को हमेशा हेल्प चाहिए होती है स्वर की, बिना स्वर के हम व्यंजन नहीं बोल सकते हैं। जैसे जिन वर्णों के उच्चारण करते समय स्वरों की आवश्यकता पड़ती है उन वर्गों को हल या व्यंजन कहते हैं, व्यंजन को हम हल भी कह सकते हैं। जैसे क प्लस आ का। अब ये देखिए, अब हम व्यंजन लिखेंगे तो हम लिखते हैं ख ख। अब इस ख में जुड़ा है ख प्लस आ, ख प्लस आ, तभी ये ख हो गया। अब हम आ नहीं जोड़ेंगे तब कैसे लिखेंगे? ख हलंत लगाएंगे, इसका मतलब हुआ ख में आ नहीं जुड़ा है। हम बिना स्वर के ना हम व्यंजन बोल ही नहीं सकते। सब बोलोगे क ख क, मतलब क्या बोल रहे हैं कुछ समझ में नहीं आएगा, कोई क, ये कोई शब्द हुआ, हम इसको बिना स्वर की सहायता से बोल ही नहीं सकते हैं। अब ना जैसे अब बोलोगे कि कहाँ, देखो हमने क्या बोल दिया, क्या में तो क आया, क में तो अ आया ही नहीं, तभी हमने क्या बोल दिया। लेकिन अभी देखिए क में य और आ दोनों जुड़ गए, तो क फिर कहाँ, ये ना ये भी तो स्वर की सहायता से लिया गया, क में य जुड़ गया फिर आ जुड़ गया, आ तो जुड़ गया इसमें, तभी तो इसमें बोल दिया हमने कि भाई व्यंजन बिना स्वर की सहायता से लिया ही नहीं जाता। अब ये देखिए, ये व्यंजन तीन प्रकार के होते हैं, स्पर्श अंतस्थ उष्म। स्पर्श 25 होते हैं, अंतस्थ 4 होते हैं, उष्म 4 होते हैं। अब स्पर्श, हमने किसी चीज को छू दिया, स्पर्श छू दिया, सीधा हम छू के चले गए, तो वही अब क इसमें हो गया क क ख ग घ र च छ ज झ झ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। सीधे यहाँ से आते चला गया, मुँह से सीधे स्पर्श होके चला गया, तो वो हो गया स्पर्श व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, इसमें ये चार होते हैं, य व र ल। अब य व र ल अंतस्थ मतलब जो अंदर जाके स्थित हो जाए, या मतलब अंदर चला गया, वो भी अंदर है मतलब बाहर नहीं निकल रहा है, वो र अंदर अंदर ही चला, बाहर नहीं निकल पा रहा है, ल भी ऐसे ही है। उष्म, उष्म का मतलब होता है गर्म, से श श स ह। अब इसको इस तरीके से देखिए, जैसे अब यहाँ पे हाथ रखिए, ऐसे श श स ह, गर्म हवा निकल रही है मेरे मुंह से, तो गर्म ही हवा निकल रही है, श स ह गर्म हवा निकल रही है, तो इसको हम उष्म बोलेंगे, क्योंकि ये गर्म हवा छोड़ता है, ये शब्द, ये वर्ण, इसको शब्द नहीं वर्ण कहेंगे। अब ये देखिए, स्पर्श व्यंजन के समूह के प्रथम वर्ण से वर्ग के नाम का बोध होता है। स्पर्श व्यंजन, सिर्फ स्पर्श व्यंजन, इसमें से स्पर्श व्यंजन लगेगा,
आस्था और उष्म नहीं लगेगा, सिर्फ स्पर्श लगेगा। स्पर्श व्यंजन के समूह के प्रथम वर्ण के वर का नाम का बोध होता है। जैसे स्पर्श व्यंजन क ख ग घ ड, इसका ये और हर एक जो ये ग्रुप है इसमें 5 वर्ण होते हैं। इसमें कितने वर्ण होते हैं? 5 वर्ण होते हैं। बंद कर, इसमें 5 वर्ण होते हैं। अब ये देखिए क ख ग घ ड, क ख ग घ ड, इसका जो पहला वर्ड है, पहला जो वर्ण है, इस ये हो गया क वर्ग का। जैसे च छ ज झ न, ये जो वर्ग है इसका पहला वर्ण है च, ये च वर्ग का हो गया। अब जैसे आप मान लीजिए, जैसे आप हो 5 दोस्त हुए, एक दोस्त सबसे आगे जो पढ़ाई में होशियार है, खेल कूद में होशियार है, जो आप लोगों को समझता है, तो वो आपसे आगे रहा, तो वो आप ही के ग्रुप का लीडर हुआ ना। तो ये वैसे ही चीज है, ये सारे वैसे ही चीज है। बस आप सबको ये याद करना जरूरी है क ख ग घ। अब आप ये कहेंगे कि आप क्या पढ़ा रहे हो, ये तो एल के जी यू के जी पढ़ाया जाता है क ख ग घ ड, तो आप ये हमें 6 से लेकर 12 क्लास तक कैसे काम आएगा ये चीज़। अब आप ये बोलोगे, अब ये देखो, अब हमें ना कोई भी चीज़ याद करके हमें पहले प्रैक्टिस करनी होती है। अब आपने ये सब बचपन में याद किया, एल के जी यू के जी सब में याद किया होगा आप लोगों ने, लेकिन अब बड़े होके कुछ लोग ये भूल जाते हैं, कुछ लोग इसकी मतलब जो लाइन्स होती है, कैसे हमें पहले क्या बोलना है, दूसरे में क्या बोलना है, तो वो लोग भूल जाते हैं, वो ऊपर नीचे कर लग जाते हैं, तो वो नहीं करना है। तो इसीलिए ये फिर से पढ़ाया जाता है। और संस्कृत कोई मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, ये आसान सब्जेक्ट है। कुछ लोगों को लगता है क्योंकि संस्कृत पढ़ाया जाता है 6ठी क्लास से, ऊपर से 6ठी क्लास में ही पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, तो उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट इसलिए नहीं आ पाता है बच्चों को। लेकिन संस्कृत हिंदी की तरह ही है, आप याद करना जरूरी क ख ग घ ड, च छ ज झ ण, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प प ब भ म, ये सब याद करना जरूरी है। और इन सब के पहला ही जो ना वर्ण है, ये इसका वर्ग हो गया। अब आगे देखिए, अब है ये संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन मतलब दो व्यंजन को मिला के जो एक व्यंजन बने, जे जे ना दो व्यंजन को मिला के एक व्यंजन बने। जैसे श हो गया, श को हम लिखेंगे क जमा श, क प्लस श। अब आप बोलोगे कि ना आपने क में तो हलंत लगाए हो, फिर श में क्यों नहीं लगाए हो हलंत? अब श बना क और श से। अब ना क में तो हलंत, क्योंकि जो ये क है ये बिना स्वरों के बना है, और शा स्वर से ही बनाए, तभी। अब ना जैसे आप कहें माइनस, मैथ्स में होता है माइनस माइनस प्लस होता है, वैसे ही अब ना इसमें हलंत लग, इसमें हलंत लगाना जरूरी है, इसमें नहीं जरूरी है। इसे हम त्र बोलेंगे, त्र। तो त्र क्या होता है? त प्लस र, त्र। त्र में त का उच्चारण पहले हुआ, त का उच्चारण पहले हुआ, र का बाद में हुआ, इसलिए इसमें त्र हो गया। ज्ञ, ज्ञा, 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 ज्ञा पहले आया और ज्ञा बाद में से ज्ञा हो गया। ये द्य, द्य, द या द्य, द पहले या बाद में, ध, ध, द, ध, द पहले ध बाद में, श्र, श्र में श्र, श, श पहले र बाद में। इन सब में आपको पहले में हलंत लगाना है, बाद में आपको हलंत लगाने की जरूरत नहीं है। अब आगे देखिए, अब ये देखिए, उच्चारण स्थान वर्णोच्चारण स्थानानी। अब हम कोई भी वर्ण का उच्चारण कहीं ना किसी स्थान से तो होता है ना, कि हम कोई कोई वर्ण मतलब जितने भी वर्ण हैं, जितने भी वर्णमाला में हमारे जितने भी वर्ण हैं, हमारे 33 व्यंजन 13 स्वर जितने भी हैं, उन सब का हमारा जो उच्चारण है, हमारे पूरे शरीर के सिर्फ यहाँ जो ये है, यहाँ से ना निकलता है, यहाँ की कोई एक जगह है वहाँ से निकलता है, वहाँ से एक ध्वनि निकलती है,
अब देखिए, मुख के जिस निश्चित स्थान से वर्णों या अक्षरों का उच्चारण किया जाता है वह स्थान उच्चारण स्थान कहे जाते हैं। अब मुख के प्रमुख स्थान, मुख के प्रमुख 9 स्थान होते हैं। कंठ, कंठ, तालु, तालु, मूर्धा, मूर्धा, जैसे कि अब देखिए, कंठ, कंठ, तालु, तालु, मूर्धा, मूर्धा, ओष्ठ, नासिका, कंठ तालु, कंठ तालु, कंठोष्ठ, कंठोष्ठ, दंतः, दंतः, दंतोष्ठ, दांत और होठ, दांत और होठ, ठीक है। अब आगे देखिए, संस्कृत वर्णमाला के उच्चारण स्थान के साथ विभाजन इस प्रकार। अब जो हमें 9 प्रकार बताए, कंठ तालु, ओष्ठ, दंत, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, तो इन सब का उच्चारण देखते हैं कौन कौन सा वर्ण कहाँ से और कैसे निकलता है। कंठ, अकुह विसर्जनीयानां कंठ, अकुह विसर्जनीया। अब ये ना एक फॉर्मूला है जिसकी वजह से आप याद, ये सब चीज याद कर सकते हो। ये सब एक फॉर्मूला है, जैसे अकु अ, अकु हो गया, अब ये क, क वर्ग, क में जितने भी होते हैं, क ख ग घ, ये हो गया घ, अड़ा ह, और ये विसर्ग आ गया, विसर्ग ह। अब ये देखिए तालु, तालु का फॉर्मूला क्या है, इच्छियुषाणा, इच्छियुषाणा, ई, ये देखिए ई हो गया, ये चु। अब च वर्ग, च छ ज झ ञ, य, य भी हो गया, और ये श, ये श, ठीक है। अब आगे देखिए मूर्धः, मूर्धः का फॉर्मूला रेटूर्षाणां मूर्धा, रेटूर्षाणां मूर्धा, री से री का हो गया री, री, ये ट वर्ग, ट ठ ड ढ ण ण तक हो गया, और ये रशा, रशा, र और श, दांत जो दांत से हो, दांत से, दांत का फॉर्मूला लड़ी तुला, री तुलसाना दंता, इसका फॉर्मूला लड़ी, तव, त थ द ध न। अब ये स हो गया, स, ओष्ठ, ओष्ठ मतलब होठ। अब इसका हो गया फॉर्मूला, ये देखिए, उपूप धमानी या ना मोष्ठो। अब उ का ये उ हो गया, पव, प का प, फ, भ, व, म, ये हो गया। अब आगे देखिए, ये हो गया नासिक, नासिक जो हम नाक से उच्चारण करें, हो गया नांड नानांग नासिक का च। अब इसमें क्या हो गया, इसे ये न, ये, और फिर जो भी न से मुझे मतलब नाक से निकल रहे, जो चीज नाक, जो ध्वनि हमारी नाक के सहायता से निकले। अब ये देखिए कंठ तालु, ए दे तो हो कंठ तालु। अब इसमें कंठ और तालु, कंठ और तालु, अब इसमें ए, ए, ए से सिर्फ दो ही शब्द हुए, कंठोष्ठु, कंठ और होठ, कंठ, कंठ मतलब गला और होठ से निकले, सो ओ ओ ओ ओ, दंतोष्ठ, दांत और होठ, वकार से दंतोष्ठम, इसका फॉर्मूला व हो गया। अब ये देखिए कंठ, जो हम उसे अ, कंठ से निकले अ, आ, क, ख, ग, ख, ड, ह, जो ये सब एक सब कंठ से निकलते हैं। अब हम ना
उच्चारण में समझ सकते कि कौन सी कंठ से निकल रही है, कौन दांत से निकल रही है, कौन होठ से निकल रही है, कौन नाक से निकल रही है। अभी तालु से ई ई चा, जो हमारा जो जीभ है वो ऊपर वाले जबड़े से में टच हो रहा है, जीभ ऊपर वाले जबड़े में। ई ई चा छ ज झ य श, जीभ ऊपर वाले जबड़े में टच होके निकल रही है, तो ये तालु। मूर्धा जैसे री री ट, अब ये जो है जो ऊपर वाले जबड़े से टच होकर नीचे वाले जबड़े में आ रही, ऊपर वाले जबड़े से टच होके नीचे में आ रही है, री री टा ठा रा ढा ना रा श। दंतः जो हमारे दांत से टच हुए थे, लड़ी ता दांत में ता था दा धा ना सा। ओष जो उस होठ से टच हो, जैसे पा फा बा भा मा, होठ चिपक रहे ना, तो यही हो गया। ऐसे ही ना 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 ना।